वेबिनार में हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में, मैं समझाने की कोशिश करूंगा जो मेरा तजर्बा है। आप जितने लोग भी मेरे साथ लाइव हैं इस वेबिनार में, आपको विनती है कि आप कमेंट बॉक्स में या क्यू एंड ए सेक्शन में अपना सवाल जरूर लिख दीजिए। मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं जो आप हर रोज हमें सोशल मीडिया पर पूछते हैं। ऑस्ट्रेलिया जाने से रिलेटेड हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे कि आज ऑस्ट्रेलिया जाने वाले लोगों को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, कैसे आप ऑस्ट्रेलिया में अपना वीजा कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में विजिट वीजा कैसे ले सकते हैं फ्री में, बिना पैसे के वीजा मिलता है, कभी भी कोई एम्बेसी कोई ऑफिसर पैसे नहीं लेता जब आपको वीजा दिया जाता है, लगती है तो सिर्फ एक एजेंट की थोड़ी मेहनत होती है, उसका एक तजर्बा होता है। मैं एक लंबे समय से काम कर रहा हूं, मेरे पास एक्सपीरियंस है, और मेरे पास एक्सपीरियंस हर रोज का एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ रोज शेयर करता हूं। आप जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरी बार बार विनती है आपसे, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ बता पाऊं तो आप मुझे मैक्सिमम चीजें अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्यू एंड ए सेक्शन में लिखिए। जो भी आप मुझसे सवाल जानना चाहेंगे, अगर मैं जवाब ना दे पाया, मैं इसी सवाल का अलग अलग वीडियो बना के कल सुबह 10 बजे से पहले पहले जो कॉमन 10 सवाल होंगे, 10 सवालों की अलग से एक रील बना के इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आपको पब्लिश कर दूंगा। जो 10 कॉमन सवाल होंगे उन 10 सवालों की रील्स के रूप में आपको जवाब मिल जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे सवाल हैं, पहले मैं आपके सवाल पढ़ लूं मेरे पास क्या क्या सवाल आए हैं और क्या एग्जैक्टली जानना चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल है, ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीजा को कौन कौन से वीजा में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप सबने न्यूज सुनी कि 1 जुलाई से ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने विजिट वीजा को स्टडी वीजा में चेंज करना बंद कर दिया। सिर्फ स्टडी वीजा में चेंज करना बंद किया, वर्क वीजा में चेंज करना बंद नहीं किया। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, स्टडी वीजा में चेंज करना बंद हुआ है, वर्क वीजा में कन्वर्ट करना बंद नहीं हुआ। वर्क वीजा में कैसे चेंज होगा, उसके लिए स्पॉन्सर चाहिए, एक नौकरी चाहिए। नौकरी लेके वर्क परमिट मिलेगा जिसे 482 वीजा बोलते हैं। ये 482 वीजा होता है जिसमें आप काम करते हैं, ये 2 साल का काम करने का वीजा है। 482 वीजा लेने के लिए आपको एम्प्लॉयर चाहिए। आज आप ऑस्ट्रेलिया का वर्क परमिट ढूंढ रहे हैं, किसी के पास जाएंगे कोई 40 लाख मांगेगा, कोई 50 लाख मांगेगा, ये फ्री में मिलना है, फ्री में। 482 वीजा ऑस्ट्रेलिया का फ्री में, 2 साल का वर्क परमिट, पता कितनी पगार है, 5 लाख रुपए पगार है महीने की। 5 लाख रुपया एक महीने की तनख्वाह होती है यदि आप ऑस्ट्रेलिया में काम करने का वीजा लेते हैं, और ये वीजा फ्री में मिलेगा। कैसे मिलेगा, आप यहां से विजिटर वीजा अप्लाई करिए, सब क्लास 600। बिजनेसमैन को ये वीजा 5 साल का मिलता है, नौकरी करने वाले को 3 साल का मिलता है, 90 दिन की इसके ऊपर एंट्री होती है। आप ऑस्ट्रेलिया में उतरिए, रिश्तेदार भाई बहन को मिलिए, जो भी आप काम करते हैं उससे रिलेटेड 10 कंपनियों को रीच करिए। आप बाल अच्छे काट लेते हैं, आप एक शेफ है, आप कारपेंटर है, इलेक्ट्रिशियन है, हर तरह का आदमी चाहिए आज ऑस्ट्रेलिया को। सिर्फ आदमी कौन चाहिए, जो अंग्रेजी बोल लेता है, जिसकी जबान में अंग्रेजी के वर्ड है। आप अंग्रेजी नहीं बोल पाते, 2 महीने लगा के सीख लीजिए। जब तक आपके 5-5.5 बैंड इंग्लिश में नहीं आएंगे, आपको कोई हायर नहीं करेगा। ऑस्ट्रेलिया में 482 वीजा वर्क वीजा फ्री में मिलेगा। अगर पैसे देकर खरीदोगे ना, मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कमेंट में कितने पैसे लगेंगे, मैं भाई साहब को पैसा लेता, मेरा 50,000 रुपया खर्चा है, 50,000 रुपए में आपको भेज सकता हूं। पैसे कौन लेगा, पैसे वहां का इंप्लॉयर लेगा, पैसे वहां के वकील लेंगे। कितने लेंगे, 50,000 मांग लेगा, $50,000
कुछ $8,000 मांग लेगा, कोई $1,00,000 मांगने वाले को तो क्या, जितना मर्जी को चाहेगा मांग लेगा। अगर आप ऑस्ट्रेलिया का 482 वीजा चाहते हैं, वर्क परमिट का जो वीजा है, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको इंग्लिश बोलनी सीखनी है, लिखनी सीखनी है। आप अंग्रेजी अच्छी बोल लेते लिख लेते हैं, साथ के साथ आपको विजिट वीजा अप्लाई करना है, आपको ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीजा पे जाना है, वहां जाके एम्प्लॉयर को मिलना है, जो भी आप काम करना चाहते हैं ऐसे लोगों को मिलना है, कानून के दायरे में रह के काम करना है। आपको जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट वीजा दे रही है उसकी रिस्पेक्ट करनी है आपने, कभी भी ओवरस्टे नहीं होना। आपका प्राइमरी पर्पज वहां पे विजिट करने का, घूमने का है, टूरिज्म का है, रिश्तेदार भाई बहन को मिलने हैं जिसके लिए आपको वीजा मिला है, 2-4-5 दिन घूमिए, उसके बाद अपनी नौकरी की तलाश करिए, किसी अच्छे वकील को मिलिए, गोरे वकील को मिलिए, इंडियन आर्मी से दूर रहिए थोड़ा सा, किसी गोरे वकील को मिलिए, वो आपसे $5,000 लेगा, $10,000 ले लेगा, $10,000 कितना हो, 5.5 लाख रुपए हो, $10,000 के करीब एक वकील आपसे फीस लेगा, वो आपके एम्प्लॉयर के कागज के बिहाफ पे आपको 482 की स्पॉन्सरशिप अरेंज करके देगा, आप कागज लेके भारत आ जाइए, जब भारत में आ जाए यहां पे आके अपना मेडिकल कराइए और अपना ऑस्ट्रेलिया का 2 साल का वर्क परमिट लीजिए, जिसपे 5 लाख रुपए तनख्वाह होगी महीने की। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जहां 5 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है महीने की, कैसे मिलेगी, ऐसे मिलेगी। ये सवाल बार 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 लिखा गया था कमेंट बॉक्स में, इसी को पढ़ के सुना रहा हूं। एक और भाई साहब हमारे पास हैं, जितेश मेहता जी, प्लीज गाइड। जितेश मेहता जी आप अपना सवाल अच्छे से लिख दीजिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या जानना चाहते हैं। राजवीर कौर है हमारे साथ, वांट टू नो अबाउट वीजा ऑफ ऑस्ट्रेलिया और कनाडा फ्रॉम न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड कंपनी डू फ्रॉड एंड नाउ वी वांट टू अप्लाई वीजा इन अनदर कंट्री, वी ऑल्सो टॉक विद यू टॉपिक बट देन डिड नॉट गिव अस एनी रिस्पॉन्स। देखिए अगर आप मेरे दफ्तर में आए कल सुबह, मैं आपको दिखा सकता हूं, यहाँ पे 10,000 के करीब हमें 10,000 के करीब रोज मैसेज आते हैं, कॉल जाती है। हम लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को मैक्सिमम चीजें बताएं कि क्या क्या उनके लिए बेहतर है। तो यदि आप भी कुछ जानना चाहते हैं आप अभी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप न्यूजीलैंड में हैं, आपको ऑस्ट्रेलिया कनाडा का वर्क परमिट चाहिए, सबसे आसान काम क्या है, विजिट वीजा अप्लाई करिए। कोई भी और वीजा नहीं मिलने वाला, किसी भी और वीजा में जाएंगे पैसे लगेंगे आपके। आप चाहते हैं आपका कुछ बने, आपको विजिट वीजा अप्लाई करना है, इसके लिए आपको चंडीगढ़, जलंधर, 2 ब्रांचे हमारी जहां पर आना पड़ेगा आपको। आगे हमारे पास है आरिफ मोहम्मद, विच इज द बेस्ट कंट्री कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, इन होल वर्ल्ड देर इज ओनली वन बेस्ट कंट्री, पूरी दुनिया में एक ही बेस्ट कंट्री है और वो कंट्री है भारत, इंडिया, इंडिया से बेहतर कुछ भी नहीं है। देशभक्ति होनी चाहिए हमारे दिल में, किसी के बाप को देख के नहीं कहते उसका बाप बहुत अच्छा है, अपने बाप से प्यार है ना, अपनी मां से प्यार है, मेरा भारत महान, ये नारा होना चाहिए आपका। सुबह उठ के गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलते हो, बंद कर दो, जय श्री राम बोला करो, जय श्री राम बोलना है और मेरा भारत महान बोलना है, अपने घर पे तिरंगा झंडा लगाया गया, देशभक्ति आए आपके अंदर। दुनिया में एक ही कंट्री है, दुनिया में सिर्फ एक ही बेस्ट कंट्री है, वो है भारत इंडिया। अब दोबारा मत पूछना, बार बार बताने नहीं समझाऊंगा आपको। और जो मेरे पास कमेंट और आए हुए हैं, मैं सारे सवालों के जवाब दूंगा। आई एम ए बिजनेसमैन इन पानीपत, विजिटर वीजा अप्लाई करना है, प्लीज गाइड। बिजनेसमैन को अगर ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीजा अप्लाई करना है, ये बिजनेस विजिटर वीजा होता है, 5 साल का वीजा मिलता है, 2 दिन में मिलता है ये वीजा, मात्र 2 दिन के अंदर आप 5 साल का वीजा ले पाएंगे, बिजनेसमैन होने चाहिए। बिजनेसमैन की डेफिनेशन क्या है, आपके पास जीएसटी की रिटर्न हो, आपने MSME रजिस्टर कराया हो, आपकी कारोबार की एक वेबसाइट हो, आपके करंट अकाउंट में 2-4 करोड़ रुपए का साल का लेन देन होता हो, आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न 8-10 लाख रुपए की हो,
बस इतने के कागज हैं, मैं आपका वीजा लगा के दूंगा। बिजनेसमैन के लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट 2 दिन का वीजा देती है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया बायलेटरल एग्रीमेंट कहता है कि 2 दिन में बिजनेसमैन को वीजा दिया जाएगा। अगर कारोबार करते हैं तो 2 दिन में मैं वीजा लेके दूंगा आपको। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है लेके एक बार आइए, मुझे चंडीगढ़ आके मिलिए। फोन करना बंद कर दीजिए, मैं बार बार विनती कर रहा हूं, हमें फोन मत कीजिए, हमें व्हाट्सएप मत कीजिए। अगर आप व्हाट्सएप करते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे चैटबॉट है, वो आपको सारी जानकारी दे देगा। आपको वीजा अप्लाई करना है, मेरे से अप्लाई करना है, मुझे मिलिए आके, चंडीगढ़ आइए, जलंधर आइए, मुझे मिलिए आके, मेरी टीम को मिलिए, अप्लाई करने आइए हमारे पास। पूछने पूछाने के लिए सारा दिन डिजिटल मीडिया खुला हुआ हमारा। आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे सारा दिन मेरी बातें सुनिए। अगर आपको कोई बात में दम लगता है, अच्छी लगती है बात, तो हमारे पास दफ्तर में आइए। अपना और मेरा समय खराब मत कीजिए। आप फोन करते हैं, 10,000 फोन आते हैं, मैं फोन थोड़ी उठाऊंगा आपका सारे। मेरे को फाइल भी लगानी है, मुझे फाइलें भी देखनी है, काउंसलिंग भी करनी है। बिल्कुल भी फोन के ऊपर एड्रेस पूछ लीजिए। आप फोन करते हैं, मेरे किसी मुलाजिम से बात होती है, उसको बोलिए हमें एड्रेस समझा दीजिए कहां पे है, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मेरे किसी कारीगर को आप बार बार फोन करके पूछेंगे वीजा कैसे लगता है, मेरी टीम नहीं बताएगी आपको। अस्पताल में काम डॉक्टर साहब करते हैं, यहां पे मेरे अस्पताल में डॉक्टर साहब मैं हूं, मैंने बताना है आपको कि आप कौन सी कंट्री के लिए बेहतर हो नहीं हो। इसलिए समय निकाल के टाइम लेके मुझे दफ्तर आके मिलिए। और भी बहुत सारे लोगों के कमेंट है, एक एक करके सारे कमेंटों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ जूम सेशन पे बहुत सारे भाई जुड़े हुए हैं जिन्होंने रेगुलर अपॉइंटमेंट ली हुई है हमारी। आप जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं अभी, मैं बार बार विनती एक ही करूंगा कि आप अपने कमेंट जो भी आपके इस दिमाग में आता है कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपका एक एक कमेंट पढ़ूंगा, सारी लगा रात लगा के पढ़ूंगा, उसका जवाब सुबह आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। आपके सुबह उठने से पहले आपका जवाब आपके इंस्टाग्राम पे होगा। सुबह उठ के इंस्टाग्राम पे रील देख लेना, आपको जवाब मिल जाएगा। बहुत सारे और सवाल है। वीर जी ऑस्ट्रेलिया का स्टडी विजिटर वीजा लेना है, ट्रेवल्ड न्यूजीलैंड यूके का दिसंबर तक पेंडिंग है, कपल प्रोफाइल है, कपल ही लेना, स्पॉन्सर चाहिए या होटल बुकिंग चाहिए? कभी भी पैसे दे के स्पॉन्सर नहीं खरीदनी। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में बहुत फर्क है। कनाडा में तुम पैसे दे के स्पॉन्सर खरीद के वीजा ले सकते हो, ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया में याद रखना उसी को वीजा मिलेगा जो जेन्युइन आदमी, होटल बुक करके ला लो वीजा मिल जाएगा। पैसे देके स्पॉन्सरशिप ले रहे हो नकली, कभी भी वीजा नहीं मिलेगा। इसलिए इट इज हाईली रिकमेंडेड कि पैसे देके स्पॉन्सरशिप नहीं खरीदनी। चमकौर सिंह जी लिखते हैं आपका नंबर कोई फोन मिल नहीं रहा। मत करो भैया फोन, मत फोन करो। बार बार कंप्लेंट लिख रहे हैं आप कि फोन नहीं मिल रहा। नहीं मिलेगा फोन, क्यों नहीं मिलेगा? मैं माफी चाहूंगा, बहुत ज्यादा फोन है, 10,000 फोन एक दिन के हम नहीं सुन पाएंगे। क्या बात करोगे आप मेरे से? यहां पे लाइन लगी हुई लोगों की, पहले मैं उनको मिलूंगा कि आपसे फोन पे बात करूंगा। मेरी निजी जिंदगी भी है, मैंने अपना फोन अपने लिए रखा हुआ है। जो मेरे घर से फोन आते हैं, मेरे कारोबार वाले लोगों के फोन आते हैं, मैं आपसे फोन पे बात नहीं कर पाऊंगा। अगर आपने कोई भी आपको मेरे साथ काम है कमेंट बॉक्स में लिखिए, सुबह आपके उठने से पहले रील आपके पास होगी। इंस्टाग्राम मत छोड़ना, मैं इंस्टाग्राम पे एक एक वीडियो खुद बना के खुद अपलोड करता हूं तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारा कुछ बन जाए, तुम्हारी जिंदगी खराब ना हो। बिना पैसे के गरीब आदमी को भेजना मेरा फर्ज है, मुझे मेरे प्रभु श्री राम ने ताकत दी है कि मैं लोगों की जिंदगी बदल पा रहा हूं, लोगों के सपने पूरे कर पा रहा हूं। मेरा जीवन मेरा काम गरीब आदमी के लिए पहले है। जिसके पास पैसे नहीं है मैं उसका काम करके ज्यादा खुश हूं। अमीर आदमी तो कहीं भी पैसे देके काम करा लेगा, गरीब आदमी कहां जाएगा? वो प्रसाद होता है हमारे लिए जो भगवान देते हैं हमें। जो भी गरीब आदमी अपने घर से आ रहा है ना मुझे मिलने के लिए, तुम्हारे पैसे नहीं कोई बात नहीं भैया, मुझे नहीं चाहिए। तुम दो बुट्टी चावल ले आना अपने घर से, मेरे लिए वो ज्यादा जरूरी है। नहीं चाहिए मुझे पैसे, पैसे मुझे भगवान ने बहुत दिए हुए हैं, वो मुझे 16 साल पैसे कमाते ही हो गए। अगर आज भी मैं गरीब आदमी के लिए काम नहीं कर पाता तो लानत है मेरे ऊपर। मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं कि मैं अपने गरीब भाई बहनों के काम आ सकूं। 2 साल का वर्क परमिट मिलेगा, 482 वीजा होगा। ऑस्ट्रेलिया में काम करने का वीजा, 5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह मिल सकती है।
अली मिर्जा जी लिखते हैं, मेरा वीजा 2 बार रिफ्यूज हुआ, तुम्हारा वीजा 4 बार रिफ्यूज हो गए, तुम्हारा वीजा 5 बार रिफ्यूज हो गए, फिर लगेगा मैं जिम्मेदारी लूंगा। कोई बंदा कहता है यार लाओ मुझे फाइल ला के दो, मैं कागज पूरे करो वीजा ले देता हूँ, तुम्हारा 4 बार रिफ्यूज है, 5 बार रिफ्यूज है, 6वीं बार दे देंगे। कोई एम्बेसी कभी वीजा रिफ्यूज करने के लिए आपकी फाइल नहीं लेती, देने के लिए लेती है। तुम उसको अप्रूव तो करोगे, तुम वापस आओगे, 2 किले तुम्हारे पास जगह है, रिटर्न तुम्हारी नील की है, खाते में तुम्हारे 1 लाख रुपया पड़ा है, कैसे वापस आने की गारंटी दे दोगे? इस लायक बनाऊंगा कि तुम वीजा ले पाओ। आगे लिख रहे हैं राकेश दर्जी, अगर ऑस्ट्रेलिया विजिट वीजा पर जाए तो वर्क परमिट में कैसे चेंज होता है? मैं रोटी प्लेट में डाल के देता हूं, मुझे बताओ कैसे खाओगे? ये चावल पड़े कैसे खाओगे? चावल चल के तो मुंह में आने से रहे, उठा के चम्मच से डालोगे, हाथ से खाओगे, कोई तो तरीका होगा ना। मैं तुम्हें ऑस्ट्रेलिया भेजूंगा, तुम वहां पे जाके डोर टू डोर फिरोगे नौकरी के लिए, लोगों को सीवी बांटोगे, 4 दिन फ्री नौकरी करोगे, बाल काट लेते हो, ये बाल काट लेते हो ना, सीसीटीवी का काम कर लेते हो, मोबाइल ठीक कर लेते हो, गाड़ी चला लेते हो, चला के दिखाना, ड्राइवरी आती है ना, किसी ड्राइवरी वाली कंपनी के पास चल जाना, लॉरी वाले के पास, जो लॉरी ट्रक का जिनको चाहिए ना वहां जाना, बोलना भैया मुझे एक काम करना, 2 दिन 4 दिन लॉरी चलाना, पसंद आ गई नौकरी दे देंगे। पगार कितनी होगी? 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया महीने की पगार होगी भैया, या साल में नहीं 5 लाख दुनिया कमाती। बड़े लोग चिढ़ते हैं मेरे से जो ऑस्ट्रेलिया में बैठे ना, पक्के पीआर को, लो 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 5 लाख तो अच्छे बोलता है, 5 लाख पीआर होती नहीं, क्यों नहीं होती भी? 5 लाख रुपए महीना तनख्वाह होती है। करे नहीं नहीं यहाँ 4 लाख खर्चा आता है, तो खर्चा मैंने यहाँ नहीं करना। आपने तुम जुआ खेलोगे, तुम शराब पियोगे, तुम गलत काम करोगे तो 5 लाख क्या, तुम 50 लाख भी महीने का उजाड़ लो। 5 लाख तनख्वाह है, हाँ अलग बात है, लोग खर्चे 4 लाख कर लेते हैं, स्टेटस नहीं बनाना, बीएमडब्ल्यू लेनी। मैंने ये फोटो डाली है, जब मैं नया नया अमीर हुआ था ना तो मैंने भी बीएमडब्ल्यू ली थी। लाइक करना, कमेंट करना, अच्छा लगेगा हमें भी, मोटिवेट किया करो यार। तो मोटा मोटा लिखते रहते लोग, मुझे तो अब मोटा हूं ना यार, अब मैं क्या करूं, पतला नहीं हो सकता। चलिए आगे चलते, अगला कमेंट है, सर जी नेपाल से मैं विजिट में जा सकता हूं? तुम नेपाल से, तुम बांग्लादेश से भी जा सकते हो, आप बर्मा से भी जा सकते हो, दुबई से भी जा सकते हो। साधारण सा काम है, vinayhari.com लिखना है, आगे अपॉइंटमेंट का लिंक है, अपॉइंटमेंट का बटन दबाना है, आप हमारे साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपॉइंटमेंट ली हुई है हमारे से ऑनलाइन। अगर किसी ने मेरी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ली हुई है, आपको एक हक मिल गया है मेरे साथ बात करने का, i@vinayhari.com मेरा एक ईमेल आईडी है, i@vinayhari.com, उस आईडी पर मेल कराया करिए। मैं हर 1-2 दिन में उस आईडी के जितने भी मेल आ जाते हैं सबको रिप्लाई करता हूं। सो जो भी तुम्हारे मन में है, तुम्हें कुछ भी जानना है, तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हुआ है, फ्री में जानकारी चाहिए, i@vinayhari.com पर अपनी मेल सेंड कर दो, चाहे नेपाल से हो, बांग्लादेश हो, कहीं से भी हो। आगे लिखते हैं, मुझे लिखना कोशिश करने के था विजिट वीजा पर, फिर आप जैसे पेमेंट बिगड़ गए, पता नहीं क्या लिख रहे हैं। देखिए अनपढ़ है नहीं जा सकते, अनपढ़ आदमी सिर्फ घूमने जा सकता है, वो काम करने नहीं जा सकता, स्टडी वीजा पे नहीं जा सकता। वर्क परमिट वीजा फाइनेंस की प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है, खराब है यहाँ तो, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, गरीब हो, भगवान का नाम लेके आ जाओ बस, रहने दो, मेरी 50,000 रुपये फीस है मत दो। जो आदमी ये सोचता है कि उसके पास मेरी फीस 50,000 रुपया देने के लिए नहीं है, 2 मुट्ठी घर से चावल ले आना, वो दे देना, मुझे नहीं चाहिए मुझे पैसे तुम्हारे से। हाउ मच एक्सपेंस फॉर वर्क परमिट? $50,000 यू हैव, क्या है तुम्हारे पास 40 लाख रुपया वर्क परमिट का? वहां के लोग लूटेंगे तुम्हें, नोच लेंगे, कोई पैसा नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा वर्क परमिट अगर तुम विजिटर वीजा पर ऑस्ट्रेलिया जाके खुद नौकरी ढूंढते हो। पैसे देके लेना है, $50,000, $60,000, $70,000, $1,00,000 तक लोग ले लेते हैं। सर नमस्कार, मैं ड्राइवर हूं नेपाल से, तो ड्राइवर इधर 100 करोड़ ड्राइवर इंडिया में भी बैठा हुआ है, अब इतनी नहीं भेड़, इतना नहीं मंदी चली कि हम नेपाल से ड्राइवर लेके भेज दें,
इधर इंडिया में 100 करोड़ ड्राइवर बैठा है जो सवेरे तैयार है ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, जाना है 5 लाख रुपए तनख्वाह है, अंग्रेजी बोलनी सीख लो। कोई भी ड्राइवर भाई बहन मेरा ऑस्ट्रेलिया में जाके 5 लाख की नौकरी लेना चाहता है, अंग्रेजी बोलनी सीख लो, अंग्रेजी बोलनी आती होगी, नौकरी मिल जाएगी वहां पे। मैं अनपढ़ हूं, वहां काम करने चाहता हूं, ना भाई मेरा भी और अपना भी समय मत करो। अनपढ़ आदमी सिर्फ घूमने जा सकता है, काम करने नहीं जा सकता। कैन विजिट वीजा कन्वर्ट इन वर्क परमिट? यस इट इज पॉसिबल। बार बार यही सवाल है, एक ही सवाल है अभी तक आपका, विजिट वीजा को कैसे वर्क परमिट कन्वर्ट करेंगे? वकील साहब करेंगे, $10,000 लेंगे वहां पे, गोरे अंकल है हमारे, जॉन अंकल नाम है उनका, 85 साल उम्र है जॉन अंकल, अभी भी काम कर रहा है, एडिलेड में रहता है, बुढ़ा है, $10,000 ले लेता है एक केस करने का, ₹200 लेता है मिलने का, $200 11,000 रुपया सिर्फ मिलने का, ऐसे जो मैं फ्री में बोल रहा हूँ ना तुम्हें इंस्टाग्राम पे, अंकल से बात करनी है पहले, ₹11,000 लेता है मिलने का, फिर $10,000 लेता है विजिट वीजा को वर्क परमिट में चेंज करने का, पैसे पहले लेता है बुढ़ा अंकल। सर लड़का कनेडा है, ऑस्ट्रेलिया भेजना है, जितने भी भाई बहन मेरे साथ ये वीडियो देख रहे, जिसका भी बच्चा कनेडा में फंसा हुआ है, जिसका भी बच्चा कनेडा में फंसा हुआ है, आके मुझे मोहाली मिल लो, मैं 2 महीने के अंदर अंदर कनेडा से ऑस्ट्रेलिया भेज दूंगा, पैसे बाद में दे देना, नहीं है मत देना, उधार कर लेना, लोन कर देंगे, 6 महीने बाद दे देना, किस्तों में दे देना, अब और जान लेनी है मेरी, और क्या लेना है। सर हस्बैंड वांट ऑस्ट्रेलिया स्पाउस वीजा, मिल जाएगा। बहुत सारे और कमेंट थे, अब जितने भी आप लोगों के सवाल आए हैं, मैं बैठा हूं अपने दोस्त अमन जी के घर पे, अब मैंने अपने घर भी जाना, रात के 10 बज गए, आप सबके कमेंट मेरे पास आ चुके हैं, जितने भी आपने कमेंट लिखे हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, इन सब के कॉमन सवाल निकालूंगा, रात को ही 10 रील बनाऊंगा, रात को बैठ के, सोता नहीं मैं रात को, तुम भी रात को मत सोया करो, दिन में सोया करो 2 घंटे, और रात को बैठ के अच्छे से शांत वातावरण में, अभी थोड़ा शोर मच रहा है और 2 घंटे में शांत हो जाएगा, तो रात को 2 बजे मैं उठ के रील बनाने शुरू करूंगा, तो 10 रील बना दूंगा आप लोगों के लिए, जो भी आपके सवाल है, तो कल सवेरे उठते ही आपने 10 रीलें देखनी है, और आपने साथ के साथ चंडीगढ़ आ जाना है, मैं वीजा लगवा के दूंगा, काम पे आपने करना है जाना है, मेरे बंदे आगे मिलेंगे, वो गाइड करेंगे, मेरी फीस ₹50,000 है। अब जितने भी भाई बहन ये वीडियो लाइव कुछ भी देख रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे है, आप सब लोगों को यही विनती है कि कमेंट में ज्यादा नहीं पढ़ पा रहा, आप सब लोग सिर्फ फेसबुक पे चले जाइए, अभी विनय हरि की फेसबुक पे जाइए, वहां पे ये लाइव नजर आ रहा है, इसके नीचे कमेंट के अंदर दबा के अपने अपने सवाल लिख दिए, गाली मत लिखना, कोई मोटा मत लिखना, मैं ब्लॉक कर दूंगा अगर मुझे मोटा बोला तो किसी ने, ठीक है, मुझे मोटा नहीं बोलना किसी ने, अब सब लोग मेरे कमेंट लिखिए जाके फेसबुक पे, मैं फेसबुक के जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी कमेंट होंगे, सबके रात को रात वीडियो बना के सवेरे आपके उठने से पहले इंस्टाग्राम पे रील होंगी, उसको शेयर भी कर देना यार, फॉलोअर कम हो रहे हैं बहुत ज्यादा, प्लीज भीख मांग रहे हैं, फॉलोअर दे दो थोड़े से, थैंक यू वेरी मच। ये जितने भी जूम पे लोग हैं आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमें इस लायक समझा, आपने पैसे भी दिए हुए, तो जल्दी मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, रेगुलर आई विल बी इन टच ऑल विद द जूम क्लाइंट्स, सो जितने भी लोग इस टाइम हमारे साथ लाइव हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ये दोनों हाथ जोड़ के आप सबको धन्यवाद, जय श्री राम, इस लायक समझते हैं कि हम आपके किसी काम आ सके, तो अब फेसबुक पे कमेंट लिखना है, और सवेरे उठने से पहले रील देख लेनी है, और मुझे चंडीगढ़ आके मिलना है, धन्यवाद, जय श्री राम, शुभ रात्रि।